आगामी चुनाव व होली पर्व के मद्देनज़र शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ भोजपुर पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है, जहां भोजपुर के कृष्णगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंग्रेजी शराब और देसी शराब के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसकी जानकारी भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार यादव ने प्रेस वार्ता कर दी। गिरफ्तार शराब तस्कर कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के बलुआ निवासी विष्णु यादव है, जिसके पास से पुलिस ने 17.64 लीटर अंग्रेजी शराब तथा 40 लीटर देसी शराब बरामद किया। एसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि कृष्णगढ़ थाना अंतर्गत कृष्णगढ़ थाना अध्यक्ष पवन कुमार के नेतृत्व में पुलिस अवर निरीक्षक उमेश प्रसाद व कृष्णगढ़ थाना के सशस्त्र बलों के साथ एक विशेष टीम का गठन किया गया, जो अवैध शराब के विरुद्ध छापेमारी कर रही थी। छापेमारी के क्रम में बभनगामा के पास से एक व्यक्ति को एक थैला में शराब लेकर जाते हुए देखा गया, जिसे सशस्त्र बलों के द्वारा खदेड़ कर पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन शराब तस्कर शराब के थैले को फेंक कर भाग गया। छापेमारी टीम के द्वारा थैले की विधिवत तलाशी ली गई तो उसमें से 98 बोतल फ्रूटी नुमा शराब, 180 ml का कुल 17.64 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। वहीं बलुआ में छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति को 40 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में कृष्णगढ़ थाना में कांड दर्ज कर गिरफ्तार शराब तस्कर को जेल भेजने की कार्रवाई की गई। एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि कृष्णागढ़ थाना अंतर्गत है और आप लोगों ने देखा होगा लगातार अवैध शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ अभी कार्रवाई चल रही है। इसी की कड़ी में कल कृष्णागढ़ में दो उपलब्धियां प्राप्त हुई। एक जगह ग्राम बभनगावा में सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई ये शराब तस्कर है, वो शराब बेच रहा है। जैसे पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचती है तो दूर से वो देख लेता है, लेकिन जब पुलिस खदेड़ती है तो उसके जो पास शराब रहता है, अंग्रेजी शराब 17.64 लीटर रहती है, वो बरामद की जाती है और वह अंधेरे का फायदा उठा के तो भाग जाता है, लेकिन उसका नाम पता सत्यापन हो गया है और उसका जो है प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की जा रही है। और दूसरा मामला बलुआ के क्षेत्र में छापामारी में हम लोगों की सूचना के आलोक में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से 40 लीटर देसी शराब बरामद की गई। और इस अभियुक्त का नाम विष्णु यादव, पिता स्वर्गीय पारस यादव, साकिन बलुआ, थाना कृष्णागढ़ का रहने वाला है। तो इस तरीके से जो है अवैध शराब के खिलाफ भोजपुर पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है और ऐसी कार्रवाइयाँ आगे चुनाव और जो ये प्रोहिबिशन है इसको देखते हुए लगातार ये जारी रहेंगी। एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि कृष्णागढ़ थाना अंतर्गत है और आप लोगों ने देखा होगा लगातार अवैध शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ अभी कार्रवाई चल रही है। इसी की कड़ी में कल कृष्णागढ़ में दो उपलब्धियां प्राप्त हुई। एक जगह ग्राम बभनगावा में सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई ये शराब तस्कर है, वो शराब बेच रहा है। जैसे पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचती है तो दूर से वो देख लेता है, लेकिन जब पुलिस खदेड़ती है तो उसके जो पास शराब रहता है, अंग्रेजी शराब 17.64 लीटर रहती है, वो बरामद की जाती है और वह अंधेरे का फायदा उठा के तो भाग जाता है, लेकिन उसका नाम पता सत्यापन हो गया है और उसका जो है प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की जा रही है। और दूसरा मामला बलुआ के क्षेत्र में छापामारी में हम लोगों की सूचना के आलोक में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से 40 लीटर देसी शराब बरामद की गई। और इस अभियुक्त का नाम विष्णु यादव, पिता स्वर्गीय पारस यादव, साकिन बलुआ, थाना कृष्णागढ़ का रहने वाला है। तो इस तरीके से जो है अवैध शराब के खिलाफ भोजपुर पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है और ऐसी कार्रवाइयाँ आगे चुनाव और जो ये प्रोहिबिशन है इसको देखते हुए लगातार ये जारी रहेंगी।